Hello kids, good afternoon. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Dear kids, आप लोगों का एक बार फिर से आपकी मैथ्स की क्लास में स्वागत है और आज हम अगेन चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 7 में 7.3 हम लोगों ने जस्ट कंप्लीट किया. अब 7.4 को हम लोग लेंगे. प्रैक्टिस टाइम 7.4 हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें. सब्ट्रैक्शन बाय ड्राइंग लाइंस, हमें लाइंस ड्रॉ करके सब्ट्रैक्शन करना है. जैसे हमने इधर 7.3 में किए थे उसी तरह से हमें 7.4 में भी लाइंस ड्रॉ करके सब्ट्रैक्शन करना है. तो प्रैक्टिस टाइम 7.4 सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग लाइंस, लाइंस ड्रॉ करके हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 5 - 3 इज इक्वल टू 2. ड्रॉ 5 लाइन्स 4 5 5 के लिए हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 2 सब्ट्रैक्ट 3. अब इसमें इन 5 लाइन्स में से हमें 3 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5. ये 5 लाइन्स जो ड्रॉ करी है उसमें से हमें 3 लाइन्स को सब्ट्रैक्ट करना है. कैंसिल 3 लाइन्स, 3 लाइन हमने कैंसिल की. अब काउंट द रिमाइनिंग लाइन्स, काउंट करो रिमाइनिंग लाइन्स कितनी बची है हमारे पास में, कितनी रिमाइनिंग लाइन्स है. 1 2 2 है. तो देट गिव्स यू द आंसर. ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ऊपर आज की डेट डालेंगे. डेट डालने के बाद में देखिए, फर्स्ट नंबर पर हमें दिया है 8 - 1, तो हमें 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है. अब यहाँ पे अलग अलग बॉक्स दिया, हम अलग अलग बॉक्स में हमें ड्रॉ नहीं करना है, एक ही बॉक्स में करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इस तरह से करेंगे, बॉक्स के बाहर भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं. हमें 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है. इसमें से हम 1 लाइन को माइनस करेंगे. 1 लाइन को माइनस करा, आप कितनी लाइन्स बची, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स बची. अब हम यहाँ पर लिख देंगे 7. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2 - 1, तो 1 2 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है. उनमें से 1 लाइन को हमें माइनस करना है, कर दिया हमने. कितनी लाइन्स बची, 1 लाइन बची हमारे पास, तो हम 1 लिख देंगे. यहाँ पर देखिए 6 - 2, तो 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 - 2, तो 2 को माइनस कर देते. अब कितना बचा, 1 2 3 4 4, तो हम ये लिख देंगे 4. 8 - 7, तो हम 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 - 7, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी लाइन्स बची, 1 लाइन बची, तो हम यहाँ लिख देंगे 1. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 - 2, तो 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 - 2, 2 माइनस करा, कितनी लाइन्स बची, 1 2 2 लाइन्स बची, हम यहाँ 2 लिख देंगे. 8 - 4, 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 - 4, 1 2 3 4 कितनी लाइन्स बची, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4. 9 - 5, तो 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स हमने ड्रॉ करी और यहाँ कितने दिए हुए हैं, 5, तो 5 लाइन्स ड्रॉ करें. 5 लाइन्स को हम कट कर देंगे. 1 2 3 4 5 5 लाइन्स हमने कट की. अब हमारे पास कितनी लाइन्स बची, 1 2 3 4 फोर लाइन्स बची, हम यहाँ लिख देंगे 4. नेक्स्ट हम देखते हैं 8 - 2, तो हमें 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन्स ड्रॉ करी, -2, इन 8 लाइन्स में से हमें 2 लाइन्स को माइनस करना है, हमने कर दिया 2 लाइन्स को. अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ लिख देंगे 6. हम यहाँ पे देखिए 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है, उसमें से माइनस करनी है हमें 3 लाइन्स, तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे हम 1 2 3 लाइन्स. अब हमारे पास कितनी लाइन बची, 1 लाइन बची, हम यहाँ लिख देंगे 1. जितनी लाइन बचेगी उतनी लाइन को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे. ठीक है, 7 - 1, तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 को माइनस करो, कर दिया. अब हमारे पास कितनी लाइन्स बची, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6. ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 - 3,
तो सेवन लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से हमें थ्री लाइन्स को माइनस करना है, 1 2 3 3 कर दिए, अब कितनी बची, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 माइनस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 3, 1 2 3 3 माइनस करा, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ लिख देंगे 6। 5 माइनस 4, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखिए, 5 लाइन्स ड्रॉ की, 5 लाइन्स में से हमें 4 लाइन्स को माइनस करना है, 1 2 3 4, 4 को माइनस करा, कितनी लाइन्स बची, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लेते हैं 6 माइनस 4, तो हम लोग 6 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 4, तो हम 1 2 3 4, 4 लाइन्स को माइनस कर दिया, कितनी लाइन्स बची, 1 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ देखिए 8 माइनस 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, 8 माइनस 6, 8 लाइन्स ड्रॉ करी, उसमें से 6 लाइन को माइनस करा, कितनी लाइन्स बची हमारे पास में, 1 2 2 लाइन्स बची, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7 माइनस 4, तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 4, 1 2 3 4, 4 लाइन्स हमने माइनस करी, कितनी लाइन्स बची, 1 2 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 माइनस 3, तो 1 2 3 4, 4 लाइन्स ड्रॉ करी, इसमें से 3 लाइन्स को हमें माइनस करना है, 1 2 3 लाइन्स हमने माइनस करी, कितनी लाइन बची, 1, हम यहाँ लिख देंगे 1। अब यहाँ देखिए 7 माइनस 2, 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है, उसमें से हमें 2 लाइन्स को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स ड्रॉ करी, इसमें से हमें 2 लाइन्स को माइनस करना है, 2 लाइन माइनस करी हमने, अब हमें पास कितनी लाइन्स बची, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स बची, हमने 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 बोला है, मतलब 6 लाइन में से 1 लाइन को हमें माइनस करना है, हम 1 लाइन को माइनस करेंगे, अब हमारे पास कितनी लाइन्स बचेगी, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स बची, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 7.4 भी कंप्लीट कर लिया हमने एक्सरसाइज, अब 7.8 है हमारे पास में, 7.8 है सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। अभी हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रखी थी, वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है और फिर उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और फिर उसे सॉल्व करना रहता है, उसे सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो देखिए फर्स्ट में क्या बता रखा है, 7.5 हो गया हमारा कंप्लीट, 7.5 देयर वर 5 आइसक्रीम, है ना, यहाँ पर हमें 5 आइसक्रीम दी हुई है, 1 2 3 4 5 आइसक्रीम, देयर वर 5 आइसक्रीम, वन आइसक्रीम को खा लिया गया, 5 आइसक्रीम थी उसमें से 1 आइसक्रीम को खा लिया, तो कितनी आइसक्रीम बची, हाउ मेनी आइसक्रीम आर लेफ्ट, तो लेफ्ट दिया हुआ ना, मीन्स अब हमारे पास में लेफ्ट में कितनी आइसक्रीम बची, अगर हमारे पास में 5 आइसक्रीम थी उसमें से हमने 1 आइसक्रीम को खा लिया, तो हमारे पास में कितनी आइसक्रीम बचेगी, 1 2 3 4 4 आइसक्रीम बचेगी, तो 5 आइसक्रीम थी ना टोटल, तो 5 लिखेंगे, 5 में से हमें 1 आइसक्रीम को माइनस करना है, तो हमने माइनस किया, अब हमारे पास में कितनी आइसक्रीम बची, 4। इसी तरह से हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, देयर वर 4 माइस, 4 माइस है यहाँ पर, 3 माइस वेंट अवे, 3 माइस क्या हुआ, 3 माइस क्या, वेंट अवे, 3 माइस भाग गए, चले गए वो यहाँ से, हाउ मेनी माइस आर लेफ्ट, 4 माइस थे, 4 में से 3 क्या हुआ, लेफ्ट वेंट अवे, वो लोग चले गए थे वहां से, अब कितने माइस बचे हमारे पास में, तो 4 माइस थे उसमें से 3 माइस क्या हुआ, वेंट अवे, मतलब 3 को हमें माइनस करना है, तो 4 लाइन्स हो गए थे, 1 2 3 4, 4 में से 3 चले गए, तो कितना बचा, 1, 4 माइस दे रखे, 1 2 3 4, 4 माइस दे रखे, 4 में से वो बोल रहे हैं 3 माइस वेंट अवे, 3 माइस वेंट अवे, तो कितने, हाउ मेनी माइस आर लेफ्ट,
वन माउस। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं, आई हैड एट बलून्स। फाइव बलून्स ब्रस्ट, ठीक है। हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट विथ मी, मेरे पास में एट बलून्स थे, एट में से फाइव ब्रस्ट हो गए मतलब फूट गए, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एट में से देखिए 1 2 3 4 5 5 तो ब्रस्ट हो गए, कितने बचे, 1 2 3। इन सबने यहाँ पर क्या करा है, माइनस करा है, तो 5 माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एट बलून्स माइनस फाइव बलून्स। देखिए लाइन्स के द्वारा भी बताती हूँ मैं आपको, लाइन से भी बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं से 5 को माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5 कितने बचे, 1 2 3। हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट विथ मी, 3 बलून्स, 1 2 3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर वर 6 रैबिट, 1 2 3 4 5 6, देयर वर 6 रैबिट्स, 3 रैबिट्स रन अवे, 3 6 रैबिट्स थे, 6 में से 3 रन अवे मीन्स भाग गए। हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट, तो हमारे पास कितने रैबिट्स बचे, 6 रैबिट थे, 6 में से 3 रैबिट्स भाग गए, तो कितने रैबिट्स बचेंगे, 3 बचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 थे यहाँ पर, 6 में से 3 जो हुए भाग गए, रन अवे। अब 1 2 3 3 बचेंगे हमारे पास, हम यहाँ लिख देंगे 3। नेक्स्ट ये देखते हैं, देयर वर 7 फ्लावर्स, ये देखिए स्पॉट में 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लावर्स हैं थे, वर 3 फ्लावर्स वर थ्रोन, 3 फ्लावर्स को क्या करा, थ्रोन मतलब तोड़ लिया। हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, अब कितने फ्लावर्स बचे हुए हैं लेफ्ट, हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, लेफ्ट पूछ रहे हैं वो, 1 2 3 4 4 फ्लावर्स आर लेफ्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको ये 7.5 को भी कंप्लीट करना है, 4 को भी कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा 8, जो हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 मैंने आपको करवा दिया है, चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारी हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने आपको कंप्लीट करवाया था चैप्टर नंबर 8, है ना। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का 7.4 नहीं करा था, 7 का 7.5 नहीं करा था, बाकी हमने चैप्टर नंबर 8 में 8.1 कर चुके हैं हम लोग, 8.2 भी कर चुके हैं, और ये हमें करना है, 8.3 भी हमें करना है, और ये हमें आगे का करना है ना, आगे से हमें करना है, 8.5 भी हो चुका है हमारा। तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, है ना, बाय बाय।